नमस्कार। गेहूं एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ग्रेन्स में शामिल होता है। इंडिया में भी ज़्यादातर क्विजींस में, ज़्यादातर तरह के लोगों में, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले खाद्य पदार्थों में ये शामिल होता है। आज बात करेंगे क्या ये हेल्थ के लिए अच्छा है, क्या हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, क्या हार्ट पेशेंट्स को इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज डिस्कस करेंगे गेहूँ के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे गेहूँ के फ़ायदों के बारे में। गेहूँ के फायदे ये कि इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा है, हमारी नॉर्मल डाइजेस्टिव मूवमेंट के लिए, कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है, पेट को भरने के लिए अच्छा है और ज़्यादा भूख ना लगे, भूख को शांत करने के लिए अच्छा है। तो इसलिए गेहूँ या उससे बने हुए खाद्य पदार्थ जब हम लेते हैं तो फाइबर कंटेंट की वजह से पेट को जल्दी भरते हैं और ओवरऑल वजन कम करने में मदद करते हैं। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स, खासकर बी ग्रुप के विटामिन्स जैसे कि फोलेट, थायमिन, राइबोफ्लाविन ज़्यादा है और मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन ज़्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि सेलेनियम ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी है, इम्यूनिटी के लिए अच्छी है और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ों को हमें अगर बॉडी में मिलता रहेगा तो बॉडी के विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कम होगी। इसके अलावा जो अगर हम अनप्रोसेस्ड या अनरिफाइंड गेहूँ लेते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होते हैं, जो कि सडनली शुगर को नहीं बढ़ाते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में प्रॉब्लम होती है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेने से शुगर जल्दी बढ़ जाता है और जल्दी कम हो जाता है, जिसको मैनेज करना बॉडी के इंसुलिन के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने से हमारा शुगर लेवल्स का मैनेजमेंट कंपैरेटिवली बेटर रहता है। तो इसमें जो अगर हम मैदा नहीं लेते, इस गेहूं के बने हुए आटे वगैरह का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे बॉडी के शुगर लेवल्स को सडनली नहीं बढ़ाता है। इसके अलावा एक बहुत ही वर्सेटाइल ग्रेन है, जो कि बहुत तरह की चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। आटे से हम बहुत सारी चीज़ें भी बना सकते हैं, रोटी चपाती से लेकर बहुत सारी अलग अलग तरह की क्विजींस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी वर्सेटाइल ग्रेन है, काफ़ी वर्सेटाइल तरह के मसाले और फ्लेवर्स डाल के इसको अलग अलग तरह के खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी वाइड यूजेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग क्विजींस में, अलग अलग तरह के हेल्थ बैकग्राउंड्स में इसको प्रयोग किया जा सकता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी तरह की चीज़ें इससे बनाई जाती है, चाहे वो ब्रेड हो, पास्ता हो, सीरियल्स हो, बेक्ड प्रोडक्ट्स हो, बहुत सारे तरह से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए ये वर्सेटाइल होने के अलावा कल्चरली भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है सब जगह। और इससे जो हम ब्रेड, रोटी, चपाती वगैरह बनाते हैं वो बैलेंस डाइट में भी एक अच्छा रोल प्ले करता है, यदि हम होल व्हीट लेते हैं तो। अगर हम रिफाइंड ग्रेन्स लेते हैं तो वो उतना हेल्दी नहीं है, अगर हम होल व्हीट लेते हैं तो ओवरऑल सारे ग्रुप्स के लिए या सबकी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स के लिए अच्छा है। हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स है, शुगर लेवल्स बढ़ाता नहीं है, तो ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर हम कंपेरेटिव एनालिसिस करें पॉलिश्ड राइस या चावल से, तो डेफिनेटली ये हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, शुगर के पॉइंट ऑफ व्यू, ब्लड प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा इसको माना जाएगा बाकी हेल्थ प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में, बशर्ते कि हम बहुत ज़्यादा रिफाइन करके इसको ना लें, यानी मैदे को ना लें। मैदा में जो है रिफाइन जो करने की वजह से उसका जो स्टार्ची मटेरियल है वो ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से वो फैट कंटेंट बढ़ जाता है और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ब्रेन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें फोलेट और बी ग्रुप के विटामिन्स होते हैं, जो कि ब्रेन की मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए अच्छे हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स का भी एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट में अलग अलग तरह के प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि सब में कोई ना कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स की कमी होती है। तो मिक्स करने के हिसाब से अगर आप साग सब्जी के साथ अगर इसको लेते हैं तो आपकी बॉडी की सारी इसेंशियल अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और किस में होते हैं उस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब बात करेंगे गेहूं के नुकसान के बारे में। गेहूं का सबसे बड़ा नुकसान ये कि कुछ लोगों को ग्लूटेन से सेंसिटिविटी होती है। गेहूं में ग्लूटेन करके तत्व होता है, जो कि सीलियाक डिजीज और ऑटो इम्यून डिजीज वाले पेशेंट्स में पेट में इन्फ्लेमेशन और सूजन करता है, इसीलिए ये उनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। ज़्यादातर ग्लूटेन जो एक प्रोटीन है, जो कि व्हीट में यानी गेहूं में और बार्ली और राई में ज़्यादा मिलता है, जो कि गेहूँ से ही रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसमें कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं है, उनके लिए उल्टा टॉक्सिक हो सकता है, उनको ग्लूटेन फ्री खाना ही एडवाइस किया जाता है। इसके अलावा अगर इसको हम रेगुलर बेसिस पे लेते हैं और अगर खासकर व्हाइट ब्रेड लेते हैं या सीरियल्स में शुगर वगैरह ज़्यादा प्रयोग करते हैं,
तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है जो कि नुकसानदायक हो सकता है। अगर प्रोसेस्ड हम गेहूँ लेते हैं तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज़्यादा होता है। सेकेंडली इसका ये है कि ओवर कंजम्पशन होने का पोटेंशियल काफ़ी है, क्योंकि गेहूँ का ये है कि बहुत सारी तरह की चीज़ों में यूज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा रोटियाँ चपाती लोग खा लेते तो कई बार ओवर कंज्यूम बहुत हो जाता है। इसलिए गेहूँ का कंपैरेटिवली कई बार ओवर कंजम्पशन होने की वजह से वजन बढ़ने का भी रिस्क रहता है। बाकी खाने के बदले अगर खाएं कोई भी चीज़ को तो वज़न कम करेगी, लेकिन खाने के साथ अगर आप एक्स्ट्रा खाते ही जाएंगे और बहुत ज़्यादा खाएंगे तो कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज देती है जिससे वज़न बढ़ता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को गेहूँ के ओवर कंजम्पशन से पेट में दर्द होना या ब्लोटिंग या गैस का प्रॉब्लम हो सकता है। गेहूँ में मौजूद फाइटिक एसिड जो है वो आयरन और जिंक की अब्जॉर्प्शन को कम करता है, इसलिए अगर गेहूँ में ज़्यादा मात्रा में लेते तो बॉडी में आयरन और जिंक की कमी हो सकती है। यदि गेहूँ को हम सोक करते हैं, स्प्राउट करते हैं या फर्मेंट करते हैं तो इससे फाइटिक एसिड का कंटेंट कम हो जाता है, इससे अपनी आयरन और जिंक की अब्जॉर्प्शन बेटर हो सकती है। जहाँ तक पॉसिबल है गेहूँ को प्रोसेस्ड वे में नहीं लेना चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा गेहूँ में कुछ एंटी न्यूट्रिएंट तत्व होते हैं जिसको लेक्टिन्स बोलते हैं, ये भी बॉडी के कुछ और न्यूट्रिएंट्स को भी अब्जॉर्ब होने में नुकसानदायक होते हैं या रोकते हैं। जैसे कि फाइटिक एसिड का होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को कम अब्जॉर्ब होने देता है, उसी तरह लेक्टिन का भी यही इशू है कि वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं होने देता। उसी तरह से अगर हम गेहूँ को पका करके या सोक करके या स्प्राउट करके खाते हैं तो ये प्रॉब्लम उतनी नहीं आती है। गेहूँ में थोड़ा कैलोरी डेंसिटी ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में अगर इसको हम खाते हैं तो वज़न बढ़ा सकता है। थोड़ी मात्रा में खाते हैं तो वज़न कम करने में मदद कर सकता है, अगर बाकी खाने के बदले लिया जाए तो, बाकी खाने के साथ में लिया जाए तो वज़न बढ़ भी सकता है। कुछ लोगों को नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, जिनको सीलियाक डिजीज़ तो नहीं है लेकिन फिर भी गेहूँ को खाने से उनको पेट में एलर्जी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है और पेट की आंतें खराब हो जाती हैं। तो ये हर व्यक्ति की हेल्थ को सूट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज हमने बात करी गेहूं के फायदे और नुकसान के बारे में। इसके फायदे हैं, एक तो इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है जो कि हमारे बाउल मूवमेंट्स और आंतों के लिए अच्छा है। सेकेंडली ये न्यूट्रिएंट डेंस है, इसलिए इसमें विटामिन अच्छे हैं, फोलेट, थायमिन, राइबोफ्लेविन और बाकी मिनरल्स भी अच्छे हैं जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि सेलेनियम है, जो कि हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी और हेल्थ के लिए अच्छे हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो इसलिए डायबिटिक्स के लिए अच्छा है, इसीलिए ये हार्ट पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। अलग अलग तरह के क्विजींस और कल्चर्स में इसका प्रयोग किया जा सकता है, बहुत सारी तरह के ब्रेड्स, पास्ता, सीरियल्स और बेक प्रोडक्ट्स सारे इससे बनाए जा सकते हैं। बी ग्रुप के विटामिन्स और फोलेट होने की वजह से ब्रेन की हेल्थ के लिए भी अच्छा है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। नुकसान ये है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी जिनको होती है उनका पेट खराब हो सकता है। जिन लोगों को भी ग्लूटेन की एलर्जी है जैसे सीलियाक डिजीज़ है जो कि पेट की ऑटोइम्यून कंडीशन है, अगर वो इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उनका पेट गड़बड़ हो सकता है और पेट में बहुत ज़्यादा उनको दर्द या इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ सकता है और बॉडी का वेट भी बढ़ा सकता है क्योंकि कैलोरी डेंस है ये काफ़ी प्रोडक्ट, और खासकर अगर प्रोसेस्ड वे में अगर इसको लेते हैं, प्रोसेस्ड ग्रेन लेते हैं तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओवर कंजम्पशन होने का इसमें रिस्क रहता है, कई बार कुछ लोग को ये सूट नहीं करता है, कई इसमें फाइटिक एसिड होने की वजह से आयरन और जिंक का अब्जॉर्प्शन नहीं होता, लेक्टिन्स इसमें ज़्यादा होने की वजह से ये बाकी न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, इसलिए गेहूं को ज़्यादातर पका करके, सोक करके या स्प्राउट करके ही खाना चाहिए ताकि फाइटिक एसिड और लेक्टिन का कंटेंट कम हो जाए। हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि डायबिटिक हार्ट पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए ये अच्छा है, बशर्ते हम इसको रिफाइंड वे में नहीं खाएं और बहुत ज़्यादा नहीं खाएं तो ये अच्छा हेल्थ प्रोडक्ट है। विटामिन मिनरल्स अच्छे हैं, चावल के कंपेरिजन में ये अच्छा हेल्थ प्रोडक्ट है। अगर आप इसको ठीक ठाक मात्रा में लेते हैं, ओवर कंज्यूम नहीं करते हैं तो ये हेल्दी अल्टरनेटिव है बाकी फूड प्रोडक्ट्स से। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने और सीखने को मिली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।